30 फाइनेंशियल डिसीजंस दैट विल चेंज योर लाइफ के सेकंड पार्ट में आप सबका स्वागत है। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस सीरीज इज बेसिकली अबाउट 30 ऐसे इतने बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस जो कि आपकी लाइफ बदल देंगे। इन द लास्ट वीडियो, इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस एंटायर सीरीज ऑफ 30 डिसीजंस, हमने अपने पहले 3 डिसीजंस कवर करे थे और मैंने आपको बताया था, जो लोग बेसिकली फर्स्ट टाइम व्यूअर्स हैं, मैंने आपको ये बताया था कि आपको 18 ईयर्स की एज से लेकर 40 साल की एज तक क्या क्या ऐसे बड़े डिसीजंस लेने हैं, क्या क्या ऐसे बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस लेने हैं जो कि आपको रिच, स्टेबल एंड इन द टॉप 1% बना सकते हैं। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, अगर आप लोगों ने वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हुआ है, प्लीज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट पार्ट देखिए। आई विल अटैच द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक मिल जाएगा पार्ट वन का। अगर आप लोगों ने वो पार्ट वन देख लिया है तो आपको पता होगा कि फर्स्ट पार्ट में, इस वीडियो के पहले पार्ट में, मैंने स्टार्ट किया था एक ऐसे इंसान की जर्नी से जो कि अभी अभी 18 साल का हुआ है, और मैंने उस वीडियो में 3 बड़े डिसीजंस कवर करे थे जो कि आपको 18 के होते ही करवाने हैं, 18-19 तक करवाने हैं, जिसमें से सबसे पहला डिसीजन था आपका पैन कार्ड बनवाना, सेकेंड डिसीजन था आपका बेसिकली क्रेडिट कार्ड अगेंस्ट FD के बारे में सोचना, सेकेंड डिसीजन था बेसिकली आपका सेविंग्स अकाउंट खुलवाना, एंड थर्ड डिसीजन था आपका क्रेडिट कार्ड अगेंस्ट FD के बारे में सोचना, क्रेडिट कार्ड अगेंस्ट FD को लेकर अपना क्रेडिट स्कोर बिल्ड करना, जिसके बारे में मैंने बहुत इन डेप्थ डिस्कशन आपके साथ करा था पहले पार्ट में इस वीडियो के, इस पूरी सीरीज के। नाउ गाइज, आई एक्सपेक्ट जो लोग ये सेकेंड पार्ट देखने वाले हैं, आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों ने पहले 3 डिसीजन पूरे कर लिए हैं, वो 3 चीजें आपकी सक्सेसफुली पूरी हो चुकी हैं, जिनमें मैं फिर बोल रहा हूं पर क्या क्या था। फर्स्ट थिंग, यू शुड हैव अ पैन कार्ड, सेकंड थिंग, यू शुड हैव अ सेविंग्स अकाउंट विद अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट सो दैट यू कैन हैव योर पैसिव इनकम जनरेटिंग, थर्ड थिंग क्रेडिट कार्ड अगेंस्ट FD, जिसका मैंने आपको बताया था पूरा का पूरा ड्रामा कि आपको एक EMI के तरीके से बनवाकर अपना क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है 18 साल की उम्र से, ताकि आगे की एज में फाइनेंसिंग को लेकर कोई प्रॉब्लम ना हो। आई एक्सपेक्ट कि अगर आप ये सेकेंड पार्ट देख रहे हैं तो आपके ये 3 डिसीजन पूरे हो चुके हैं। अब बात करते हैं अगले एज के बारे में, अगले क्राइटेरिया के बारे में, अगले सेगमेंट के बारे में और अगले सेट ऑफ डिसीजंस के बारे में। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मान के चलते हैं कि 18 साल की एज में आप जब स्कूल से पास आउट हुए थे, 18 की एज आपने अटेन करी थी, तो आपने अपने ये 3 काम करवा लिए थे। नाउ एज पर द इंडस्ट्री नॉर्म्स, एज पर द इंडिया नॉर्म्स, कि इंडिया का मार्केट कैसा चलता है, 18 के बाद जनरली जो बंदा होगा, जो स्टूडेंट होगा, वो अपना कॉलेज लाइफ जाएगा, राइट? ऐसे ही होता है इंडिया के मार्केट में। इंडिया के जो लोग होते हैं वो इतनी जल्दी से एक एक्टिव इनकम तो स्टार्ट नहीं करते, जॉब स्टार्ट नहीं करते, कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, बट मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं, जो ये वीडियो देखने वाले हैं, मेजॉरिटी ऑफ आर व्यूअर्स, अगर वो 18+ हैं तो मान के चलते हैं कि वो लोग कॉलेज में हैं। तो आज के बारे में जो 3 अगले सेट ऑफ डिसीजंस होंगे, डिसीजन नंबर 4th, 5th एंड 6th, वो बेसिकली उन लोगों के लिए टारगेटेड है जो कि इस टाइम पर कॉलेज में है, राइट? 21 साल तक, 18 से लेकर अब 21 तक की जो एज है आपकी, इसके बीच में आपको क्या मेजर डिसीजंस लेने हैं। और मैं मान के चल रहा हूं, अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपकी कोई एक्टिव इनकम नहीं है, आप कॉलेज जाते हो, कॉलेज में पढ़ाई करते हो, शाम को घर आ जाते हो, आपके पास काफी खाली टाइम बचता है कोई नई चीज सीखने के लिए। आई एम अज्यूमिंग कि ये सारी चीजें आपके साथ हैं, और 3 बड़े डिसीजंस, 3 बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस जो अब 18 से 21 तक आपके पास आने वाले हैं, जो आपको लेने हैं, वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, डिसीजन नंबर 4th, द मेजर फाइनेंशियल डिसीजन नंबर 4th दैट यू हैव टू टेक नाउ दैट यू आर इन द एज ऑफ 18 to 21 एंड यू आर लिविंग दैट कॉलेज लाइफ, इज बेसिकली जनरेटिंग अ पैसिव सोर्स ऑफ इनकम एज सून एज पॉसिबल। सर क्या है ये? मैं ये कह रहा हूं कि इस टाइम पर जो इंडिया के डायनामिक्स हैं, इंडिया का जो मार्केट है, इतना कॉम्पिटिटिव मार्केट है, और आपकी सेगमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, वो इतना बड़ा बड़ा फोड़ रहे हैं इंडस्ट्री में, काफ़ी बच्चों ने अपना स्टार्टअप बना दिया, काफ़ी बच्चों ने रीसेलिंग कर पता नहीं क्या बना दिया, काफ़ी बच्चों ने ड्रॉप शिपिंग करी, एक्चुअली स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड अर्निंग टू एन एक्सटेंट, और लोगों ने ना जो होता था इंडिया का कल्चर कि 25 के बाद कमाएंगे और ये होगा, ये अब क्योंकि इंडिया का मार्केट ही इतना कॉम्पिटिटिव हो चुका है, या तो आप करना शुरू कर दो, नहीं तो आप पिछड़ जाओगे, सीधी सी बात होगी। मैं मान के चल रहा हूं क्योंकि आप एक सीरियस व्यूअर हैं, कि आप वीडियो देख रहे हैं क्लिक करके, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू गाइस वांट टू बी इन द टॉप 1%। तो उसके लिए
डिसीजन नंबर फोर्थ जो करना है वो ये करना है, यू नीड टू बिल्ड अ पैसिव सोर्स ऑफ इनकम व्हाइल यू गाइस आर इनटू कॉलेज। क्या है पैसिव सोर्स ऑफ इनकम? मैं ये कह रहा हूँ एक्टिवली तो कमा नहीं सकते क्योंकि कॉलेज जाना है, पढ़ाई करना है, वहाँ पर टाइम स्पेंड करना है, एग्जाम्स देने हैं, इंटरनल्स हैं, एक्सटर्नल्स हैं और दुनिया भर की बात है, लेकिन पैसिव इनकम तो कमा सकते हो ना, पार्ट टाइम इनकम तो कमा सकते हो। अब पार्ट टाइम इनकम की बात ये आती है, सर हमने भी तो सोचा है, हमें भी कमाना है। कौन सा ऐसा कॉलेज का बच्चा होगा जो ये बोलेगा कि मुझे कमाई नहीं करनी? सर इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो डेप्थ में बन चुकी है जहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं, एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, 10 ऐसे बड़े तरीके जो आप एज अ कॉलेज स्टूडेंट कमा सकते हैं, अपनी कमाई कर सकते हैं, उसके बारे में ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बना चुका हूं। लिंक में जो आपको डिस्क्रिप्शन में जो आपको सेकंड लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर पार्ट वन का लिंक होगा और डिस्क्रिप्शन में सेकंड लिंक जो होगा वो यही वाला होगा कि अगर आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं तो आप कैसे कैसे कमाई कर सकते हैं, कैसे कैसे पैसिव इनकम कमा सकते हैं। नाउ लॉजिक क्या है सर, बोला क्यों, why is it such a big financial decision? I have my arguments purely based on logic and इसके पीछे का लॉजिक पता है क्या है? नंबर वन, आपको कमाई से ज्यादा, इनकम से ज्यादा, मनी से ज्यादा पता है क्या हेल्प मिलेगी? आपको हेल्प मिलेगी, आपको नई स्किल्स सीखने का मौका मिलेगा जो इस टाइम पर आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। 10 चीज़ों में मैंने आपको बहुत सारी अलग अलग सेगमेंट्स और अलग अलग तरीके कवर करे थे कि कैसे कैसे आप कर सकते हैं, लेकिन उन सारे तरीकों में ना 2-3 चीज़ें कॉमन थी कि आपको लोगों से मिलना पड़ेगा और कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। व्हाट इज हैपनिंग, योर कम्युनिकेशन स्किल इज गेटिंग डेवलप्ड जो कि आपको आगे जाकर आपके करियर में, जॉब में, बिजनेस में भी काम आएगी, राइट? नंबर टू क्या होगा, आप नई स्किल्स सीखोगे जो कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है इस टाइम पर। आपको आएगा कि ई कॉमर्स कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर माल बेचा जाता है, कैसे ये लोग जो इंस्टाग्राम का जरा सा पेज बनाकर धंधा खड़ा कर देते हैं ये कैसे होता है, कैसे इंस्टाग्राम पर एड्स चलाए जाते हैं, कैसे फेसबुक पर एड्स चलाए जाते हैं। कल को जब इतनी सारी सेट ऑफ स्किल्स के साथ जॉब इंटरव्यू में बैठोगे ना या अपना बिजनेस करने पर आओगे, आपको 90% गेम्स ऑलरेडी आते होंगे और बिजनेसेस को भी ऐसे ही लोग हायर करने हैं आज की डेट में जिनके पास सिर्फ डिग्री नहीं है, दे आर स्ट्रीट स्मार्ट, दे नो एवरीथिंग अबाउट द इंडस्ट्री इन एंड आउट। तो दूसरा बड़ा फायदा इस चीज से ये मिलेगा। नंबर 3, एक्सपोजर। What do I mean by that? जब आप ये 10 चीजें जो मैंने उस वीडियो में कवर करी है कि कैसे कैसे आप कमाई कर सकते हैं एज अ कॉलेज स्टूडेंट, when you'll have these sources of income, या अगर आप इनमें से कोई सा भी एक बिल्ड कर लेते हैं, अपना शुरू कर देते हैं, आपको एक्सपोजर मिलेगा। क्या मतलब है, आप अपना आजकल क्या रूटीन बिताते हो एज अ कॉलेज स्टूडेंट, 18 से 21 के बीच में कॉलेज जाते हो, घर आ जाते हो, इतना सा ही रूटीन है आपका, क्या कर लिया, पार्टीज कर ली वहां पर। सर जब अर्ली एज में काम स्टार्ट करोगे ना, लोगों से मुलाकात होगी, इंडस्ट्रीज का आइडिया मिलेगा, पैसा कैसे कमाया जाता है, व्हाट गोज बिहाइंड दैट, व्हाट इज द साइकोलॉजी ऑफ द कंज्यूमर, मार्केट को क्या चाहिए, मैं क्या पूरा कर सकता हूं, मेरा अपना सेट ऑफ स्किल क्या है, इतना सब कुछ अपने बारे में डिस्कवर करोगे अगर एक पैसिव इनकम जनरेट कर पाओगे और इसके बारे में सोचोगे अर्ली लाइफ में, तो कोई नुकसान नहीं है। नहीं चला तो नहीं चला, सीखने को तो तब भी मिला ना, कम्युनिकेशन करी, इतनी सारी चीजें करी, इतना सब कुछ स्किल सेट सीखा, एड्स चलाने सीखे, जॉब में काम आ जाएगा, कल को अपना स्टार्टअप करोगे उसमें काम आ जाएगा, बिजनेस में काम आ जाएगा। डिसएडवांटेज कोई भी नहीं है, फायदे अनलिमिटेड है। एंड द फोर्थ बेनिफिट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, अगर 5,000 रुपए भी महीने का कमाना स्टार्ट कर दिया, जो 10 तरीके बताए हैं ना उस वीडियो में उनको प्लीज देखना, बड़े पावरफुल और ट्राइड एंड टेस्टेड तरीके हैं जिसमें से 7-8 तरीके आई हैव डन दैट इन माय लाइफ, राइट, पर्सनल एक्सपीरियंस, राइट। अगर 5,000 रुपए महीना भी कमाना शुरू कर दिया, आपको पता है क्या बात है, आपने FD कराई थी अपनी, एक डिसीजन में मैंने आपको बताया था कि यू हैव टू गेट योर क्रेडिट कार्ड अगेंस्ट FD, और आपने अपना कुछ पैसा सेविंग्स अकाउंट में भी डाला था। कहते हैं ना बड़े बड़े लोग जो सुनी है बड़ी बड़ी बातें, बिल्ड मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होने चाहिए। सर हो तो रहे हैं, बन तो रहे हैं यहाँ पर मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। मैंने बोला था ना इस वीडियो में, ये इसको ऐसे ड्राफ्ट करा गया है कि आपको टॉप 1% में पहुंचाएंगे आने वाले टाइम तक।
आपने सेविंग्स अकाउंट में पैसा डाला एक हाई इंटरेस्ट पेइंग सेविंग्स अकाउंट में, वहां से आपको इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। आपने क्रेडिट कार्ड लिया, लेकिन क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आपने पहले एफडी कराई थी, एफडी पर इंटरेस्ट आना शुरू हो गया है आपका। तो आपको पता है कि पैसिव इनकम आनी तो लाइफ में स्टार्ट हो चुकी है पहले ही। और जब आपने ये 10 जो मैंने वीडियोस में कवर करा था, आपने 10 बातें द वेज दैट थ्रू विच अ कॉलेज स्टूडेंट कैन अर्न, अगर इनमें से कोई एक भी बना पाए अपने कॉलेज की लाइफ में, तो ये जो तीन बातें बेनिफिट्स बताए थे ये तो हैं। चौथी बात, सर इनकम भी तो जनरेट हो रही है, एक और सोर्स, तीसरा सोर्स, बच्चे हो अभी 18 से 21 के बीच में हो, अभी लाइफ शुरू भी नहीं हुई और तीन सोर्सेज ऑफ इनकम स्टार्ट हो चुके हैं। सर पर पैसा तो बहुत कमा रहा है। सर आ तो रहा है ना, मार्केट में निकल के देखो 100 का नोट कमाना कितना मुश्किल होता है। यू गाइज हैव स्टार्टेड अर्निंग, दैट इज अ बिग डील। और यही चीज मैं सिखाना चाह रहा हूं, ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, ये अर्ली डिसीजंस इतना मैटर करते हैं ना लाइफ में, ये लाइफ बदल देते हैं आगे जाकर। फोर्थ डिसीजन वॉज सिंपली पैसिव इनकम बिल्ड करनी है अपने कॉलेज के लाइफ में। 10 तरीके वीडियो में मिल जाएंगे करने के, 4 बेनिफिट्स बता दिए हैं, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स दे दिए हैं कि इसके पीछे होगा क्या और क्या बेनिफिट मिलेगा। दिस वॉज योर फोर्थ मेजर डिसीजन ऑफ योर लाइफ। डिसीजन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट वन, बहुत ध्यान से सुनना है। लोग इन्वेस्टिंग की दुनिया में, स्टॉक मार्केट की दुनिया में, म्यूचुअल फंड्स की दुनिया में, SIP की दुनिया में आते हैं, ज्यादातर लोग आते हैं। नहीं आओगे तो पिछड़ जाओगे, नहीं आओगे तो उतना रिटर्न जनरेट नहीं कर पाओगे और आपको इन्फ्लेशन बीट कर देगा, राइट? तो इन्वेस्ट कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा लाइफ में। पैसा कभी ना कभी FD से इतना ज्यादा ब्याज नहीं मिलता कि आप लोग अपनी पूरी लाइफ, अपना सारा का सारा सैलरी उस पर दे दो। नहीं, इन्वेस्ट कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा। लेकिन सर प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग बिना सीखे इन्वेस्ट करते हैं। मैं पता है क्या कह रहा हूं, क्योंकि मैंने तो जर्नी बनाई है ना आपकी। मैं कह रहा हूं कि अभी कॉलेज में हो, राइट? कमा नहीं रहे बड़ा वाला, छोटा मोटा कमा रहे हो, उसको अपना सेव करते जाओ। आप लोग डिसीजन नंबर 5 जो करना है वो ये करना है, यू गाइज हैव टू स्टार्ट लर्निंग अबाउट इन्वेस्टिंग। अभी 3 साल है कॉलेज के, राइट? स्टॉक मार्केट का इन एंड आउट YouTube पर अनलिमिटेड वीडियोस मिल जाएंगी। टॉप 1% में जाना है ना तो इतना डेडिकेशन होना चाहिए कि हर दिन आकर रात में 2 घंटे नेटफ्लिक्स को देखे बिना, फालतू में रील्स को देखे बिना इस पर टाइम लगाओ, जो कि आपको पैसा कमा कर देगा। 3 साल है कॉलेज के, बिल्ड योर स्किल। स्टॉक मार्केट को इन एंड आउट सीखो, म्यूचुअल फंड्स को इन एंड आउट सीखो, SIP को इन एंड आउट सीखो। इन तीनों टॉपिक्स के बारे में बहुत सारी वीडियोस इस सीरीज के बाद आने वाली हैं इस चैनल पर भी। प्लीज सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन दबा कर रखना। बहुत सारी बातें इन एंड आउट बताऊंगा स्टार्टिंग 0 से लेकर 1000 तक। लेकिन पॉइंट ये है कि पैसा लगाए बिना बहुत सारी चीजें सीखने के लिए हैं। पहले सीखना तो शुरू करो, नोट्स बनाओ कि कैसे मार्केट काम करता है, कि जब पैसा आएगा कल को 21 के बाद, जब नौकरी लगेगी, जब कमाना स्टार्ट करोगे। बेवकूफ लोग पता है क्या करते हैं? कमाना स्टार्ट करते हैं फिर लगाना शुरू करते हैं। सीखने वाला दौर था ही नहीं, सीखने वाला फेस था ही नहीं। क्या होगा? लॉसेस होंगे, मार्केट को वही होता है। आपने क्या करा? आपने 1% वाला काम करा। 3 साल कॉलेज के सिर्फ सीखने पर इन्वेस्ट करें, और जब पहली सैलरी आएगी ना तो इतनी तगड़ी स्किल बन चुकी होगी कि आपको आ गया होगा कि मार्केट से रिटर्न कैसे निकालना होता है। डिसीजन नंबर 5, एज आई टोल्ड यू, लर्न इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट एसेट क्लासेस। रियल एस्टेट के बारे में किताबें लिखी गई हैं, पढ़ना शुरू करो। म्यूचुअल फंड्स को समझो, SIP को समझो, स्टॉक मार्केट को समझो, और 3 साल लगाओ समझने के लिए। मास्टर द स्किल ऑफ इन्वेस्टिंग कि कल को जब पैसा आए, और हाँ कॉलेज के टाइम पर इन्वेस्ट मत करना, सीखना। 3 साल सिर्फ सीखना। ये जो थोड़ा बहुत कमाना शुरू करा है, जो पैसिव इनकम्स आई है, इनको लगाना मत लगाना, फंस जाओगे। ये उधारी लेकर लगा दिया, बहुत ब्लंडर अप है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी केयरफुली, पैसा लगाना नहीं है, सिर्फ ट्रेडिंग आपको करनी नहीं है, सिर्फ ट्रेडिंग सीखनी है, इन्वेस्टिंग सीखनी है, मार्केट्स को समझना है, स्किल समझनी है, रियल एस्टेट कैसे चलता है, किस टाइप की प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करके कितना परसेंट रेंट मिलता है, स्टॉक मार्केट का एवरेज रिटर्न क्या है, हाउ डू यू पिक द गुड स्टॉक्स, कब एंट्री कब एग्जिट। दीज वेरी पावरफुल स्किल्स, दीज वेरी पावरफुल डिसीजंस, इनके बारे में सोचो, समझो, पढ़ो 3 साल। This was your decision number 5. Decision number 6, which is going to be very healthy for your financial life ahead. कोई नहीं बताता, मुझे नहीं बताया, मुझे बहुत बाद में जाकर पता चला, experience personal share कर रहा हूं मैं।
देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इनकम टैक्स रिटर्न. क्या होता है सर? इनकम टैक्स रिटर्न बेसिकली हर उस इंसान को फाइल करना पड़ता है जो नौकरी में है, जो बिजनेस में है, जो कमा रहा है. क्या होता है ये? बेसिकली गवर्नमेंट का एक ऐसा स्टेटमेंट मान लेते हैं आप, एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें आप सरकार को ये बताते हो कि मैंने इतना पैसा कमाया. सर मैं तो कुछ कमा ही नहीं रहा, 5,000 रुपए कमा रहा हूं या शायद से 100 रुपए कमा रहा हूं जो कि ब्याज के तौर पर आ रहे हैं. मेरी पॉइंट तो समझो, लॉजिक मिलेगा ना. इनकम टैक्स रिटर्न वो लोग भी फाइल कर सकते हैं जिनकी जीरो इनकम है. इनकम टैक्स रिटर्न वो लोग भी फाइल कर सकते हैं जो स्टूडेंट्स हैं. इनकम टैक्स रिटर्न वो लोग भी फाइल कर सकते हैं जिन लोगों ने 100 रुपए कमाए. करनी क्यों है? पर बेनिफिट क्या मिलेगा? मैं बताता हूं ना बेनिफिट क्या मिलेगा. क्रेडिट स्कोर वाला डिसीजन बताया था कि कल को जब फाइनेंसिंग करवाओगे, जब बैंक्स के पास जाओगे, आएंगे अभी आगे डिसीजंस, होम लोन लेना है, मैरिज की वगैरह वगैरह बातें करनी है, राइट, ऑल दिस फाइनेंसिंग दैट यू वांट टू डू. पता है क्या है बैंक क्या बोलता है? क्रेडिट स्कोर दिखा. लेकिन उसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं. बैंक पता है एक चीज और बोलता है, ITR दिखा. दिखा तो सही कि कितने टाइम से कमा रहा है और कितना कमा रहा है और ग्रोथ ऑफ इनकम क्या है. मैं कहता हूं 18 साल की एज से ITR भरना शुरू कर दो, चाहे कमा रहे हो नहीं कमा रहे, चाहे 2,000 रुपए की जो पॉकेट मनी मिली थी ना उसको अपनी इनकम दिखाकर ITR भर दो. टैक्स तो भरना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि लिमिट के नीचे हो, राइट. 2.5 लाख की लिमिट है इंडिया में एग्जेम्पशन, उसके नीचे तो उसके तो नीचे ही आ रहे हो ना, तो टैक्स तो नहीं भरना पड़ेगा. एक ITR भरने से तुमने ये दिखा दिया सरकार को, बैंक्स को, कि मैं 18 की उम्र से कमा रहा हूं. कल को जब 25 साल के बाद जाके मैं लोन उठाना पड़ेगा ना, तो तुम्हारे पास 8 साल की इनकम स्टेटमेंट्स होंगी. बैंक मना कर ही नहीं सकता कि ये इंसान तो यार 18 साल की उम्र से कमा रहा है. मैं ये कह रहा हूं एवरी आर्ग्यूमेंट इज लॉजिक बैक्ड, जिसमें 1000% की वैल्यू मिलेगी. हर चीज बैक्ड है पर्सनल एक्सपीरियंस से. अगर 18 के हो गए और ये सारी बातें मेरी फॉलो करी तो यार कमा तो रहे हो ना, पैसिव इनकम कहीं ना कहीं से आ रही होगी, FD का इंटरेस्ट आ रहा होगा, सेविंग्स का 100 रुपये आ रहा होगा साल का, उसको अपनी ITR में शो करके ITR भर दो. इतना बेनिफिट मिलेगा आने वाले टाइम में. कल को जब बैंक के पास जाओगे ना फाइनेंसिंग करने के लिए, सालों का चिट्ठा होगा कमाई का. बैंक रिजेक्ट कर ही नहीं सकता क्योंकि ये डिसीजन अभी आने वाले टाइम में मैं कवर करूंगा. दिस वॉज योर 6th डिसीजन. स्टार्ट फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न एज अर्ली एज पॉसिबल. कमा रहे हो नहीं कमा रहे, कम कमा रहे, फर्क नहीं पड़ता, ITR भरो. क्यों? सरकार को दिखा रहे हो, बैंक को दिखा रहे हो कि मैं केपेबल हूं, मैं क्रेडिट वर्दी हूं कि कल को जाकर मुझे लोन लेना पड़ गया ना, मेरे पास 18 साल से अपनी हिस्ट्री मौजूद है, 18 साल से क्रेडिट स्कोर बना हुआ है, 18 साल से रिटर्न्स फाइल करी हुई है. लेडीज एंड जेंटलमैन, दीज वर द नेक्स्ट 3 डिसीजंस ऑफ योर फाइनेंशियल जर्नी. इस वीडियो के सेकेंड पार्ट तक हम लोग 6 डिसीजंस कवर अप कर चुके हैं. अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा, मैं फिर बोल रहा हूं कि इसका फायदा नहीं है, आपको स्टार्टिंग से आना पड़ेगा. पार्ट 1 का डिस्क्रिप्शन में लिंक सबसे ऊपर अटैच्ड है, प्लीज पार्ट 1 जाके देखना. लेडीज एंड जेंटलमैन, रिक्वेस्ट है मेरी, इस वीडियो को प्लीज लाइक करो, इस पर कॉमेंट करो, क्योंकि इंटरैक्शन जब वीडियोस के साथ होता है ना, यूट्यूब तभी उन वीडियोस को आगे प्रमोट करता है. इन वीडियोस पर मैं इतनी वैल्यू डिलीवर कर रहा हूं हर उस इंसान के लिए जो 18 से 40 के बीच में है. अगर ये डिसीजन सही ले लिए ना, आप अपनी लाइफ तो बदलोगे ही बदलोगे, फैमिली की लाइफ तो बदलोगे ही बदलोगे. भाई साहब, इंडिया की भी GDP बढ़ेगी, GDP पर कैपिटा बढ़ेगी. ये इतनी पावरफुल सीरीज मैं यहां पर प्रेजेंट कर रहा हूं आपको. करना क्या है, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिले, प्रेस द बेल आइकन और प्लीज कमेंट करो ताकि इंटरैक्शंस बड़े वीडियो के साथ, ताकि ये वीडियो यूट्यूब आगे और लोगों के साथ पुश करे. कोई भी इनसाइट है, अच्छी चीज बुरी चीज, आई टेक इट एज अ फीडबैक. कोई चीज पसंद नहीं आई, मुझे कॉमेंट करके बताओ ताकि आई कैन इंप्रूव इट. प्लीज लेट मी नो योर इनसाइट्स एंड योर डेटा अबाउट दिस सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो. अगर इस एज में हो तो इन 3 डिसीजंस को इमीजिएटली इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो, अपनी लाइफ में बहुत काम आएगा. और इससे पहले फर्स्ट 3 सेट ऑफ डिसीजंस जरूर इंप्लीमेंट करना. दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. दिस वॉज शौर्य कौशिक साइनिंग ऑफ. विल सी यू इन अनदर वीडियो. थैंक यू.